हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटीज़ एंड स्पाइसेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रिमी मेहरा एक बार फिर से एक नई रेसिपी लेकर के आपके साथ हाजिर हुई हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी लेकर के आई हूँ ये है बंगाल स्पेशल आलू पोस्तो की रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी रेसिपीज इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्तू को हम खसखस भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है। ये हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, हमारे किडनी स्टोन या स्लीपिंग डिसऑर्डर को भी ठीक करता है, कई तरीके के हेल्पफुल होते हैं ये। तो हम ये बोल के चले कि आज की रेसिपी का हीरो है हमारा पोस्तू, हमारा खसखस। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखिए, आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये जो खसखस ली है, हमारा जो पोस्तू लिया है, वो मैंने 1.5 टीस्पून भर के मैंने पोस्तू ले लिया है। तो अब दोस्तों, इसके साथ यहाँ पे मैं थोड़े से और भी सामान ऐड करूँ, जिसमें मैंने ली है 2 हरी मिर्च। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है अदरक और 6 से 7 कलियाँ ली है मैंने लहसुन की। अगर आप अदरक ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए थे, जिनको पानी में ही मैंने छील के रख दिया है। और अब देखिए, मैंने इनकी कटिंग भी कर दी है और देख रहे हैं, ना ही मैंने इन्हें ज़्यादा मोटे पीसेस में कट किया है और ना ही ज़्यादा बारीक कट किया है, बिल्कुल ये इसी शेप में मैंने परफेक्टली कट कर लिया है। और यहाँ पे दूसरे साइड पे मैंने जो हमारा पोस्तू लिया था हमारे अदरक लहसुन के साथ, इसे हम थोड़ी देर भिगो के रख देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब पोस्तू हमारा फूल जाएगा भीग करके, तो इसे ग्राइंडिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम इसे एक साइड पर हम भीगने के लिए छोड़ देते हैं। हम 20 से 30 मिनट के लिए इसे भिगा देंगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से फूल जाएगा और एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा। तब तक हम दूसरे साइड में हम हमारे जो आलू हैं, सबसे पहले उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बंगाली रेसिपी बना रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ये काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे, ऑयल हमारा अच्छे तरीके से पक जाना चाहिए। तो देखिए, ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इस समय पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, 1 तेज़पत्ता मैंने लिया है और 2 सूखी लाल मिर्च ली है। और इसी के साथ ये हल्का सा तेल के साथ हमारे जो भून जाए तेज़पत्ता और मिर्च, तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा पचफोरन। पचफोरन मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच भर के लिया है। और मसालों में बस मैंने ये पचफोरन का ही इस्तेमाल करना है। तो बस अब ये हल्के से हमारे जो पचफोरन है वो क्रैकल हो जाए, तो इसी के साथ हम ऐड कर देंगे यहाँ पे कट किए हुए हमारे आलू। तो अब हमें दोस्तों हमारे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने हैं। हम इसे 4 से 5 मिनट का समय देंगे और हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं ढक करके पकाऊंगी, जब तक कि ये हमारे आलू जो हैं 60-70% तक ना पक जाए। तो सबसे पहले इसको पकाने के लिए मैं इसी समय पे ऐड कर दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम ज़्यादा आप जैसा इस्तेमाल करते हैं। और बस अब हम इसे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं और इक्वली सब तरफ नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस अब हम इसे ढक लेंगे और ढक करके हम इसे पकाएंगे तब तक जब तक कि हमारे आलू अच्छे से पक नहीं जाते हैं। तो देखिए, हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे आलू अच्छे तरीके से फ्राई होने लग गए हैं। आप देख रहे हैं इनमें कलर भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो चुका है। तो बस हमें ध्यान रखना है हमारे आलू ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि हमें इसे और भी अभी हमारे पोस्तों के साथ पकाना है। तो अभी ये आधे कच्चे पके आलू हैं। तो अब इसी समय पे दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड करूँगी स्पाइसेस। स्पाइसेस में दोस्तों मैंने यहाँ पे आज सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल करना है, जो मैंने 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी ली है। और अगर चाहें तो आप हल्दी ना भी लें तो भी चलेगा, पर मैंने थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है। तो बस अब हम इसके अलावा और कोई भी स्पाइसेस इसमें नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। तो अब इसी के साथ दोस्तों, हमने जो पोस्तू का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था, अब वो पेस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि पोस्तू को पकने में भी थोड़ा समय लगता है। तो इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, जो ग्राइंडर के साथ हमारा पोस्तू मिक्स था उसको अच्छे तरीके से क्लीन करके मैंने वही वाला पानी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो मैंने 1 कटोरी भर के पानी ले लिया है, क्योंकि हमें अभी पोस्तू को भी अच्छे से पकाना है तो थोड़ा सा पानी हमें चाहिए होगा। तो बस अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि हमारे आलू भी बहुत अच्छे से ना पक जाएं और हमारा पोस्तू भी बहुत अच्छे से पक जाए। तो हम इसे ढक लेते हैं।
तो अब देखिए दोस्तों, हम इसे चेक कर लेते हैं। मैंने इसे फ़िलहाल लो टू मीडियम फ्लेम में 4 से 6 मिनट तक के लिए पका लिया था, और देखिए ये पानी भी हमारा अच्छे से सोक हो चुका है और हमारे जो आलू हैं वो भी मुझे लगता है पक चुके हैं। हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारे आलू भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं, यानी कि और पोस्तू में भी काफ़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो ये हमारी ये रेसिपी हो चुकी है बनके तैयार। तो लीजिए दोस्तों, हमने हमारी आलू पोस्तू की रेसिपी जो है वो है कर ली सर्व। तो आप भी एक बार ये रेसिपी दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बंगाल स्पेशल रेसिपी है और बंगाल की स्पेशलिटी है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।